सीताराम डेरा थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी भूषण कुमार दुलाल जी ने कल भी इस बारे में जिक्र किया था, मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, तो जब जागो तभी सवेरा, तो फिर क्यों नहीं आप जाग रहे हैं? सीताराम डेरा नाम है, जब जागो तभी सवेरा, सीताराम डेरा। अरे आप जाग जाइए, नशा से नाश होता है, नशा से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा नशा से त्रस्त हमारी माँ बहने और हमारे घर की बेटी बच्चे, तो मैं नशा के खिलाफ एकदम मोर्चा संभाले हुआ हूं और उसमें आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग मिलेगा या नहीं? आपका सहयोग मुझे वाकई में चाहिए, केवल झंडा उठाने और फोटो खिंचाने में नहीं, गुलदस्ता देकर के फोटो खिंचाने में नहीं। आपका सहयोग आपके घर से शुरुआत होनी चाहिए। आप सबसे पहले नशा का त्याग करेंगे, फिर दूसरे पे उंगली उठाएंगे। आप सबसे पहले प्रण लीजिए कि आप नशा से दूर रहेंगे, आप गलत कार्यों से दूर रहेंगे, चोरी छिनतई इस तरह का कुकृत्यों से दूर रहेंगे। अपने घर की महिलाओं, माताओं, बहने एवं बेटियों को पहले इज्जत करना सीखे, फिर दूसरे से उम्मीद कीजिए कि हमारी माताओं, बहने और बेटियों को इज्जत करे लोग। पहले अपने आप को सुधारिए, तब दूसरे पे उंगली उठाइए। मेरा तो यही सोच है, भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, ये बेईमानी है। भगत सिंह पैदा हो अगर ये चाहत है तो आपके घर में पैदा होना चाहिए, आपके अपने बेटे को भगत सिंह बनाइए। हम आपके हर कदम पे साथ हैं, 24 घंटे साथ हैं। आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, कोई भी हो, कहीं भी हो, बच नहीं सकता है। थोड़ा देर होगा, अंधेर नहीं होगा। चैन छिनतई करने वाला, मोटरसाइकिल को लूटने वाला, चोरी करने वाला, मोबाइल छिनतई करने वाला, सुधर जाइए, संभल जाइए। आपके ऊपर मेरी नजर है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं बच के निकल जाऊंगा तो आपकी भूल है। मैं ढूंढ निकालूंगा आपको पाताल लोक से, और मैंने अभी चैन छिनतई का पर्दाफाश किया है एक सप्ताह के अंदर। वो बाहर से आके चैन छिनतई किया, मेरी बूढ़ी माता जो है, हमारी बूढ़ी माता का चैन छिनतई किया, बूढ़ी माता गिर गई। आज उन्होंने कल आकर के थाने पे आके मिठाई और गुलदस्ता लेके आई थी, बोली कि पुलिस के इस कार्य से हमारा जितना विश्वास बढ़ा है, आप बेटा जैसे हो, एक माता का जो वचन आपने दिया था आपने निभाया, तो वो आपकी ताकत है, आपने उसमें काम किया। हर शहर में जो है पूरे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी सर्विलांस है, आप एक मोड़ से बचोगे दूसरे मोड़ पे नजर आ गए, गुलाबी में मत रहना। ये बस स्टैंड से लेकर के भुइयाडीह तीन मुहानी तक कुछ लड़के हैं, युवा हैं जो भटक गए हैं, मैं उन्हें हर हाल में राह पे लाऊंगा। आप ब्राउन शुगर बेचना और सेवन करना, बेचवाना और संरक्षण देना, पैडलिंग करना बिल्कुल भूल जाइए। ब्राउन शुगर का अड्डा बनने नहीं देंगे हम सीताराम डेरा को। जो भी होगा, जहां तक पहुंच होगा हम वहां तक जाएंगे। और चोरी का सामान न खरीदना है, ना बंधक रखना है, ना उसको गिरवी रखना है, ना उसको संरक्षण देना है, ना उसको संश्रय देना है। आप जितना चोर को संश्रय देंगे, चोर जितना आपको सजा मिलेगी। जो चैन छिनता हुआ, आपको बता दें कि दोनों सोनार का इलाज करके जेल भेजे हैं। वो सोनार जो क्रिमिनल को पैदा करता है, चोरी का छिनताई का चैन खरीदेंगे ही नहीं, हम उसका मूल्य नहीं देंगे तो वो चोर कैसे बेचेगा, बताइए? तो उतना ही दोषी है ना सोनार। अरे आप कमाइए, मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। आपको कोई दिक्कत करता है मुझे बताइए, मैं आपका सेवक, मैं आपका दास के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ 24 घंटा। लेकिन आप जो है शॉर्टकट के तरीके में, लोग लालच में फ्रॉड कीजिएगा, आप चोरी छिनताई के चैन को आप खरीदिएगा,
तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। आपका बड़ा बाबू कुछ नहीं चाहता है, आपका बड़ा बाबू चाहता है कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रहे और कोई भी बच्ची हो या बच्चा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, माताएं हो, कहीं भी अगर घर में से निकले तो अपने आप को सुरक्षित समझे, अपने आप को महफूज समझे। ये नहीं कि डर हो कि मेरा मोबाइल छीना जाएगा, मेरा चैन छीना जाएगा, ये अगर रहेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में आपका रहना कोई मतलब नहीं है, ना हमारा कोई मतलब है। आपका स्वास्थ्य नहीं है, आपका जब हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी पत्नी भी साथ नहीं देगी, दो चार महीना सेवा करेगी, उसके बाद वो परेशान हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य, आपका जो हेल्थ है, सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा धन वही है। आप देख लेना, दो महीना पैर आपका टूट जाए, भगवान न करे, देखना आपको पानी देने वाला भी दो बार झिड़क करके देगा, आपसे नजरें चुराएगा, जाएंगे तो कुछ काम इसको हमको लगा दे। कुछ लोग का ये है कहना कि हम गरीब हैं, गुरबा हैं, हम कहाँ जाएं? तो आपका पुनर्वास का भी व्यवस्था हम लोग रखे हैं। सीताराम डेरा, न्यू सीताराम डेरा, गुराव बस्ती, जो भी है, छाया नगर, निर्मल नगर, सभी जगह का भुया डी बंडीगा, जितना भी है भुया नगर, सभी में अगर आपके पास काबिलियत है, आप अपना कागज तैयार रखिए। शनिवार को मेगा कैंप लगा रहे हैं, 200 लोगों को रोजगार हाथों हाथ मिलेगा। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं तो नशा का कारोबार करेंगे, गलत काम करेंगे, तो आप ये करना बेईमानी है, ये गलत है। आपके लिए हम लोग डीसी सर से, सीनियर एसपी साहब के निर्देश पे मेगा कैंप लगा रहे हैं। आपकी जो काबिलियत है, जो टैलेंट है, आप अपना कागज रिज्यूमे तैयार रखिए, आपको वहाँ उस काबिलियत और रैंक वाइज जो है आपको मिलेगी। हम लोग नियुक्ति जो पत्र बांटेंगे सीताराम डेरा उड़ाव मस्त में, आप लोग भी वेलकम है, आप लोग अपना अपना जो है कागज तैयार रखिए, तो हम लोग उसका पुनर्वास भी कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं माननीय झारखंड सरकार की, वो भारत सरकार की सभी योजनाओं का हम लोग लाभ दिलवाने के लिए तैयार है, और वो सभी आप लोग लाभ मिलेगा, बस सबसे आप अपने आप को। बिरसा नगर थाना प्रभारी थे तो भू माफियाओं से और भू जितना भी तरह का दलाल था, जमीन हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवा के सरकार को वापस किए पत्र लेकर, आज वो जमीन पे 10,000 परिवार का घर बसने जा रहा है, वो संतुष्टि हमारा जॉब का संतुष्टि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हम लोग। तो आप लोग को सोचना है कि हमें क्या चाहिए, आप लोग को सोचना है कि मुझे कैसा वो पुलिस चाहिए, आप फिक्स कीजिए कि आपको कैसा चाहिए, दारू बेचवाने वाला चाहिए या दारू को बंद करने वाला चाहिए, वो आपकी मर्जी है। आप तैयार होइए, हम सब वो करने के लिए तैयार हैं। नशा के विरुद्ध खड़ा होइए, गलत कार्यों के विरुद्ध खड़ा होइए, बच्चों को प्यार दीजिए, अपनापन दीजिए, मोबाइल मत दीजिए 12th के पहले, कोई गार्जियन मोबाइल मत दीजिए। मैं कहता हूँ मोबाइल से कभी पढ़ाई नहीं होती है, लाइब्रेरी खोलवाइए, किताब दीजिए, किताबों से दोस्ती करवाइए, स्पोर्ट्स खेलवाइए, ये जो खेल हो रहा है ना, ये आपका शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता, जो डिसीजन मेकिंग है वो बढ़ाएगा। ये मोबाइल में पबजी खेलने से कुछ नहीं होता है, पढ़ लिख लीजिए, नौकरी ले लीजिए, फिर मोबाइल चलाते रहिए, सेटल होने के बाद करियर को, तो इन चीजों को समझिए। बच्चे लोग को थोड़ा टाइम दीजिए, नशा से दूर रहने का उनको रिहैबिलिटेशन जो है, काउंसलिंग है, हम लोग करवाएंगे, लेकिन पहले माँ बाप अपना टाइम दीजिए उनको, बच्चों को। आप दोनों चले जाएंगे काम करने और उसको मोबाइल देकर के छोड़ देंगे, थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये रैश ड्राइविंग, साइलेंसर मॉडिफाइड, हॉर्न एक्स्ट्रा और ये रंगीन लाइट हमारे एरिया में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आज रैश ड्राइविंग इतना हुआ है, बड़ा बड़ा झंडा लगा के, तिरंगा लगा के, और रैश ड्राइविंग जो किया है वो सबसे बड़ा जो है आपका बेवकूफी है। आप कोई देशभक्ति नहीं कर रहे हो बड़ा बड़ा झंडा लगा के बाइक में और कार में, काला शीशा चढ़ा लिया है, लाउड म्यूजिक बजा लिया है और दारू पी करके आप जो है झंडा लगा के क्या कर रहे हैं आप? ये देशभक्ति है? मर्दानगी नहीं है आपको? 3 ट्रिपल लोड चढ़ करके रैश ड्राइविंग लहरिया कट करिएगा, लहरिया बना देंगे हम, बता रहे। आप जो है हेलमेट पहन के घर से निकलिए, यहाँ से वहां भी जाइए, वहां भी जाइए, हेलमेट पहनिए। आपका बड़ा बिना हेलमेट डाले चाबी नहीं डालता बुलेट में, बिना सीट बेल्ट लगाए हम कहीं चलते नहीं है, हम अपनी जान की सुरक्षा के लिए।
आपको कुछ हो गया, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपका परिवार रोड पे आ जाएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। तेरामी के बाद तेरामी तक सब फोटो खिंचाएगा, सब फोटो मीडिया प्रेस भी करके डालेगा। तेरामी के बाद पूछो परिवार से कि कोई है सूद लेने वाला, कोई नहीं। अरे आप अपनी जान की सुरक्षा परवाह नहीं है तो फिर आपको किसकी जान की परवाह है? आप हेलमेट पहनिए, जूता पहनिए, तब बाइक चलाइए, ट्रिपल लोड नहीं। और ये जो नाबालिग बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं ना स्कूटी और बाइक खरीद के, नाइन टेंथ और सेवन क्लास के बच्चों को गार्जियन, वो अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हैं, दुश्मन बन रहे हैं। नाबालिग बच्चा से एक्सीडेंट हुआ, माँ बाप मर्डर केस में जाएंगे। नाबालिग बच्चा से एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट में नहीं भी हुआ, हेलमेट पे पकड़ाया 25,000 रुपया फाइन या 6 महीने का सजा, माँ बाप को फिक्स है जिसके नाम से गाड़ी है। आप अपना ट्रैफिक रूल को फॉलो कीजिए, आपकी जान सुरक्षित है, शहर सुरक्षित है। पूरे शहर में हम देख रहे हैं नाबालिग बच्चे जो है गाड़ी लेकर के हाँक रहे हैं, तो समझिए चीजों को। बस शुरुआत यही करना, यही आजादी है। दूसरे घर के महिलाओं बच्चों को बेटियों को आप बुरे नजर से नहीं देखिए, कुछ उसके साथ गलत नहीं कीजिए। बस नशा से दूर रहिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो कीजिए, आप ठीक तो दुनिया ठीक। बस यहाँ से केवल ताली बजाना नहीं, बल्कि घर से आप शुरुआत कीजिए। अपने घर से घर का कचरा ले गए और रोड पे ऐसे करके फेंक दिए, हम बड़ा स्वच्छ, मेरे घर में टाइल्स लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ। अरे भैया आप कहाँ फेंक रहे हो, वहाँ की मक्खियां उड़ करके आपके घर आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और आपको बीमारी हो रही है। आपका मोहल्ला साफ नहीं, आप साफ नहीं, मोहल्ला साफ नहीं तो देश साफ नहीं। हमारा स्वच्छ देश, स्वच्छ भारत का सपना तभी होगा जब आप अपने से शुरुआत कीजिए। तो चंद यही बातें हैं जो आप शुरुआत कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो बात कीजिए मेरे से, मोबाइल नंबर हमेशा खुला है, हम हमेशा मोबाइल नंबर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, 2 मिनट बात करेंगे लेकिन करेंगे। आप व्हाट्सएप पे कीजिए, मोबाइल नंबर सब नोट कीजिए, और कोई भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और कोई पर्व त्योहार का मैसेज नहीं करेंगे, कोई रेगुलर मैसेज, कोई फालतू मैसेज नहीं, सिर्फ जेन्युइन बातें, जेन्युइन प्रॉब्लम। नंबर नोट कीजिए, मैं यहां से बता रहा हूं, 949431706509। आप गूगल पे भी जाएंगे डालेंगे आपको आ जाएगा जमशेदपुर पुलिस, उसमें सीताराम डेरा थाना का सरकारी नंबर है जो मेरे पास रहता है, 9431706509। अरे एकदम कोई फालतू बात नहीं।